गुड मॉर्निंग आई एम निवेदिता आई एम हेयर टू टीच यू जोग्राफी एंड हिस्ट्री ओके ऑफ जी एस यू पी एस सी ओके ड्यू हैव एनी आइडिया अबाउट द जोग्राफी और हिस्ट्री टूडे आई विल टेक द लेक्चर ऑन जोग्राफी ओनली ठीक है तो किसी को कुछ आइडिया है वॉट इज़ जोग्राफी हम जी एस में जोग्राफी क्यों पढ़ते हैं कुछ भी आइडिया है किसी को एनी आइडिया नो ओके okay, किसी को सिलेबस के बारे में पता है देखा है यूपीएससी का क्या है सिलेबस जोग्रफी का या कुछ भी जोग्रफ़ी जोग्रफ़ी हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हमें इन्वामेंट के बारे में या फिर मूवमेंट के बारे में हर एक चीज़ के बारे में हम कैसे जान सकते हैं यूपीएससी में जोग्रफ़ी क्यों पढ़ा जाता है कुछ आइडिया है हम पॉलिटी पढ़ते हैं क्योंकि हमें पॉलिटिक्स का नॉलेज नॉलेज हो ठीक है बट जोग्राफ़ी क्यों हमने इंक्लूड किया है है ना इन्वायरमेंट के बारे में या फिर हम अर्थ के बारे में जो मूवमेंट है या नेचर के बारे में क्योंकि हमें हर एक चीज़ को उसमें कॉलेब्रेट करना होता है ठीक है तो so, जोग्राफी को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दैट इज़ द इंडियन जोग्राफी एंड द वर्ल्ड जोग्रफ़ी ठीक है इंडियन जोग्राफी में हम यहाँ पे एग्रीकल्चर्स भी देखेंगे ठीक है इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं जब मैं आपको डिटेल बताऊंगी उसमें बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर देख सकते हैं ठीक है इसके बाद हम यहाँ पे नेचर देख सकते हैं कि नेचर में क्या है इसमें हम लोग इन्वायरमेंट भी देख सकते हैं ठीक है ये सब हमारा इंडियन जोग्राफी में होगा इंडियन जोग्राफी में बेसिकली हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और अंदर नेबर बाई जो जितने भी हमारी कंट्रीज है उसके बारे में वर्ल्ड में हम पूरे वर्ल्ड के बारे में बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल ओशियनिक करेंट क्या होता है ठीक है उसमें आपका कोल्ड करेंट क्या होता है वार्म करेंट क्या होता है वो जब हम डिटेल में करेंगे तो हम उसमें वर्ल्ड जोग्रफी में देखेंगे ठीक है इसके बाद मैं आपको आज ब्रीफली बताऊंगी कि यूपीएससी का ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है ठीक है पहला जो यूपीएससी का सिलेबस है फॉर द जोग्राफी मैं आपको ये ब्रीफ बता रही हूँ डिटेल जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगी सिलेबस उसके बाद हम अकॉर्डिंगली देखेंगे कि लेक्चर कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं ठीक है थीके? पहला आपका आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कि हमारे वर्ल्ड में या इंडिया में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है फॉर एग्ज़ाम्पल सॉयल क्रॉप्स माइनिंग क्या होती है ठीक है वहाँ पे हम लोग क्रॉप पैटर्न देखेंगे कि हर एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिली एरियाज़ में टेरिस क्रॉपिंग होती है ठीक है फिर हम देखेंगे माउंटेन एरिया में कैसी क्रॉपिंग होती है तो ये सब चीज़ हम नेचुरल रिसोर्सेज में देखेंगे ठीक है इसके बाद आपका इसमें आता है जब हम नेचुरल रिसोर्सेज देखेंगे तो इंडिया का तो हम देखेंगे देखेंगे और उसके बाद हम इसमें देखेंगे वर्ल्ड का भी देखेंगे ठीक है कि वर्ल्ड में फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा वीट क्रॉप होता है ठीक है ना ऑस्ट्रेलिया में सबसे पूरे वर्ल्ड में अगर हम कहते हैं ना कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर कंट्री बट अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इज़ दन वनली कंट्री जहाँ पे क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो ये हो गया हम वर्ल्ड का भी देखेंगे एंड एशिया का भी देखेंगे एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठीक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मीन्स क्या होता है इंडिया है ठीक है इंडिया की जो जितनी नेबरिंग कंट्रीज है उसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं ठीक है थीके? तो वो जितनी नेबरिंग कंट्री है ना इंडिया की वो सभी हम लोग कहेंगे उसको इकट्ठे इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठीक है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल हमारा तीन सेक्टर होता है ठीक है प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज टर्जरी सेक्टर ये तीन सेक्टर हमारे इंडस्ट्रीज के होते हैं ठीक है ना कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आएगा सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा एंड टर्जरी सेक्टर में क्या आएगा ये हमारे तीनों जो होते हैं वो आपके इंडस्ट्रीज में आते हैं ठीक है प्राइमरी सेक्टर का मैं एग्जांपल दूं तो आपका ये एग्रीकल्चर आता है ठीक है उसमें हमारे जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज में है ना उसमें प्राइमरी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर आता है सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है है ना ये आता है एंड द टर्जरी सेक्टर में आपके जितने भी सर्विसेज सेक्टर होते हैं है ना जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है वो हमारे टर्जरी सेक्टर में आता है ठीक है ये सभी हम डिटेल करेंगे मैं आपको आज ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ठीक है इसमें जो मैंने अभी आपको सेक्टर्स बताया इंडस्ट्री सेक्टर वो भी आपका मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में भी बताऊंगी एंड प्लस वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में भी कि इंडिया और वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है तीनों सेक्टर में ठीक है नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन क्यों आया कैसे आया क्या रीजन था इसको आने का यू हैव नो नो वर्ड ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है क्या होता है ये शुड बी इंटरक्टिव सेशन है ना जिससे आपको भी क्लियर होगा और मुझे भी पता चलेगा कि आपको कहाँ डाउट हो रहा है ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन का कुछ पता है कि क्यों आया था बिफोर इंडिपेंडेंस है आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ग्लोबलाइजेशन क्यों लाए पहले क्या था हमारे इंडिया में सब कुछ हम अंदर ही करते थे विद इन द इंडिया ठीक है ग्लोबलाइजेशन लाने से हमें यह हुआ कि हम अदर कंट्री uh, से भी हम कॉन्टैक्ट में आ गए गुड्स एंड सर्विसेज़ को आदान प्रदान करने लगे ठीक है तो इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन लाया अभी हमारा आई टी है या फिर कोई भी सर्विस हम चाइना से कुछ इम्पोर्ट करते हैं या फिर हम अफ्रीका से कुछ करते हैं तो ये सब चीज़ हमारे क्यों हुआ ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन ओनली ठीक है तो ये इसलिए हमने ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट किया है ठीक है ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और निगेटिव इम्पैक्ट भी है है ना पॉजिटिव क्या है कि जो भी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है तो वी आर अवेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है निगेटिव क्या है कि आप देखो चाइनीज़ माल चांदनी चौक एंड ऑल डैट सारा कुछ मार्केट चाइनीज़ उसको कवर कर रहे हैं राइट right? ठीक है तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का मार्केट भी डाउन हो रहा है ठीक है ना तो इसका जो भी डिटेल है पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है इसको लाने का निगेटिव इम्पैक्ट क्या है स्टार्टिंग में हमारा बहुत पॉजिटिव था अब धीरे धीरे निगेटिव हो रहा है क्यों हो रहा है ये सब मैं बताऊँगी ठीक है